सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब ज्ञान में। तो आज की जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, ये वैकेंसी का अपडेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको अपडेट जो देने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए RRV NTPC की तरफ से यहाँ पे जो है शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है ग्रेजुएट लेवल के पद के लिए। और इसमें जो टोटल पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, लगभग यहाँ पे 8000 से ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप 8113 यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। ठीक है, इसके लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि एक शॉर्ट नोटिस है। ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलेगा एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर द्वारा, लेकिन इसका जो फुल नोटिफिकेशन है अभी यहाँ पे शाम तक या फिर कल तक यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो मैं आपको फुल नोटिफिकेशन के थ्रू सारी अपडेट बताऊँगा, लेकिन ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है आपको मैं शॉर्ट में सारी जानकारी दे देता हूं कि यहां पे कितना पोस्ट है, यहां पे जो आपका सिलेक्शन पे है कैसे होगा, और यहां पे जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका क्या होगा, कितना आपका यहां पे इनिशियली पे मिलेगा। ठीक है, और आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको आने वाली ऐसी अपडेट मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल पर प्रोवाइड कराते रहता हूं। ठीक है, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप को हमारे ज्वाइन जरूर से करके रखिए, ताकि आपको जो भी अपडेट मिले वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर ही मिल सके। तो देखो, यहाँ पे जो फॉर्म भरने की जो यानी कि आवेदन करने की जो लास्ट डेट रहेगी ना, वो आपको 13/10/2024 देखने को मिलेगी। ये सबसे पहले जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ अपने चैनल पर। और यहाँ पर जो इनिशियली पे आपको देखने को मिलेगा लगभग यहाँ पे 35,400 रुपये यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके जो ऑफिशियली शॉर्ट नोटिस है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन में सारी डिटेल बताई गई हैं, कौन कौन से जॉन में कितनी वैकेंसी निकली है, ये तो फुल नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सारी जो अपडेट है वो आपको शॉर्ट नोटिस में बता देता हूँ। तो गाइज, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, ये RRV की ऑफिशियली वेबसाइट है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर द्वारा यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला गया है। ठीक है, जो है कि यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट पर यहाँ पे देखने को मिलेगा NTPC का। ठीक है, इसके लिए मैं सारी अपडेट आपको दूंगा वन बाई वन करके, सभी की डिस्कस करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम कर देना है, जो कि इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बतानी है कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है और आप जो है किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ये थोड़ा सा काम है, जल्दी से करके बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी हेल्प मिलती है, मुझे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी पता चलती रहती है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और आपका स्टेट कौन सा है, वो भी मुझे पता चलता रहता है। ठीक है, तो मैं जो भी अपडेट प्रोवाइड कराऊंगा वो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना, तो चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके जो RRV की ऑफिशियली जो यहाँ पे पोर्टल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको नोटिस नहीं देखने को मिलेगा, ये नोटिस जो है एक टेलीग्राम पेज पर निकाला गया है। ठीक है, तो अभी जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, रेलवे RRV NTPC ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट 2024। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको सारी जो डिटेल है वो बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इसके इम्पोर्टेंट डेट्स और इसकी जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसा कि आपको एप्लीकेशन स्टार्ट जो होगा वो 14 सितंबर से होगा, यानी कि कल, और इसकी जो लास्ट डेट देखने को मिलेगी 13 अक्टूबर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पेमेंट की जो लास्ट डेट रहेगी वो भी 13 अक्टूबर देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम डेट जो बताई गई है वो अभी जारी नहीं करी गई है, एडमिट कार्ड भी जारी नहीं करा गया है। ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जाम डेट है वो पहले एग्जाम होगा, उसके बाद ही आपको जो मतलब परीक्षा होगी, परीक्षा से पहले ही आपको एडमिट कार्ड जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन फीस के बारे में बताया गया है, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, जनरल OBC और EWS कैंडिडेट वालों के लिए यहाँ पे आपको 500 रुपये का चार्ज देखने को मिलेगा, SC ST और PH कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 250 रुपये का चार्ज आपको देखने को मिलेगा। ये सभी जो पेमेंट होगा वो ऑनलाइन के माध्यम से होगा, चाहे वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग हो। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे और भी कुछ देखिए, यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे जो एज लिमिट है वो आपकी मिनिमम 18 देखने को मिलेगी, मैक्सिमम जो होगी वो आपको 36 वर्ष देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको एज भी जो एज रिलेशन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैंने टोटल जो पोस्ट आपको बताई थी, यहाँ पे 8113 पोस्ट यहाँ पर मैंने आपको बताई थी, जिसमें टोटल जो पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे देखिए 1736 पोस्ट हैं, और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर के लिए यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे, जो कि पोस्ट ये देखिए 994 पोस्ट हैं, और यहाँ पे गुड
ट्रेन मैनेजर के लिए पोस्ट देखने को मिलेंगी 3144 पोस्ट हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पे 1507 पोस्ट हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 732 पोस्ट हैं। तो टोटल जो पोस्ट हैं कुल मिलाकर के 8113 पोस्ट यहाँ पे देखने को आपको मिल रही हैं। योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया कि वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है। इस भर्ती के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा होगा, ठीक है, वही कैंडिडेट यहाँ पे पात्र होंगे। तो अभी आप देख सकते हो मैंने ये शॉर्ट नोटिस यहाँ पे ओपन कर लिया है, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB। और ये यहाँ पे जो पेपर की कटिंग है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये नोटिस जारी किया जाता है सबसे पहले। तो यहाँ पे जो NTPC का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है ग्रेजुएट लेवल के लिए यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और यहाँ पे जो आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 05/2024 देखने को आपको मिल रहा है ग्रेजुएट पोस्ट, ठीक है। अब इसके लिए देखिए एप्लीकेशन जो स्टार्ट मैंने आपको बताया था कि 14/9 से यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो यहाँ पे 13/10/2024 देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये सभी वैकेंसी जो है वो इनके लिए सभी जितने भी जॉन हैं उन जब जॉन के लिए अप्लाई करोगे वो यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको करना होगा, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, जाकर के चेकआउट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने आपको अपडेट बताई थी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे जो आपको जो पोस्ट और नेम देखने को मिलेंगी यहाँ पे इनका जो लेवल पे है, ठीक है, वो देखने को मिलेगा, इनिशियली पे कितना मिलेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा रहेगा, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे आपकी एज कितने से कितने यहाँ पे होनी चाहिए और यहाँ पे 1/1/2025 तक यहाँ पे देखिए आपकी जो एज है वो काउंटिंग यहाँ पे की जाने वाली है। टोटल वैकेंसी जो है RRB जॉन्स के लिए कितनी रखी गई है वो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए ये लेवल 6 की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। इनिशियली पे 35,400 रहेगा और जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B2 का देखने को मिलेगा। स्टेशन मास्टर के लिए यहाँ पे देखिए पे लेवल जो होगा वो 6 का होगा, इनिशियली पे 35,400 और यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड A2 का देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होते हैं मैंने आपको एक नोटिस में बताया है, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गुड्स ट्रेन मैनेजर की जो पोस्ट है ये देखिए लेवल 5 की ये वैकेंसी है, इसमें इनिशियली पे 29,200 रहेगा, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड आपको A2 का देखने को मिलेगा, ठीक है। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट है वो लेवल 5 की वैकेंसी है, इसका इनिशियली पे आपको 29,200 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड आपका C2 का रहेगा, ठीक है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट है ये लेवल 5 की वैकेंसी है, इनिशियली पे 29,200 मिलेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे C2 का होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रैंड टोटल पोस्ट के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे 8113 टोटल पोस्ट यहाँ पे देखने को आपको मिल रही हैं। सभी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा तो आपको बताया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं, सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी कि आपकी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है और अनग्रेजुएट लेवल की भी वैकेंसी देखने को आपको मिलेंगी। ये वैकेंसी सभी होंगी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको अप्लाई का लिंक नीचे दे दिया है, जाकर के चेकआउट कर लीजिए। अभी मैंने अभी जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट बताई है वो बिल्कुल जेन्युइन है, और शाम तक या फिर कल तक यहाँ पर इसका जो ऑफिशियली नोटिस है वो आपको जारी कर दिया जाएगा।